Good morning, students. Students, in our today's class, we will learn about conditional sentence. Tense का हमारा almost topic complete हो चुका है, but कई schools में ये sentence नहीं करवाया जाता. I personally believe that अगर conditional sentence को ना पढ़े, तो tense वाला topic हमारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि normally हमें क्या होता है, कई बार एक सेंटेंस जो होता है वो दो सेंटेंस से ज़्यादा से मिलके बनता है और उसमें कंडीशंस लगी होती हैं. मोस्ट कॉमन एग्जांपल जैसे हमने जब पास्ट टेंस को पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर की. ये सेंटेंस हमने अक्सर छोटी क्लासेस में भी अपनी पढ़ा है. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर की. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. तो ये दो सेंटेंस से मिलके बना है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, और द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था. तो इस टाइप के सेंटेंस में हमें अक्सर देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन चलता है. देखिए, यहाँ पे आपने दो काम साथ साथ हो रहे थे, दो काम लगभग साथ साथ हो रहे थे, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना. तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक काम को हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख रखा है और एक को हमने सिंपली क्या लिख रखा है, सिंपल पास्ट फॉर्म में, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में. कम केम कम होता है, तो केम है ये सेकेंड फॉर्म है. तो हमें देखना है कि किस सेंटेंस को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और किसे सिंपली हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे. इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए ये रूल था कि जो पहले घटना घटित हो रही है, जो इंसिडेंट फर्स्ट ऑक्टर हो रहा है, तो पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, हैड, हैव या हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो उसके बाद घटना हुई है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. तो ये कॉम्बिनेशन होता है. ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए. ये कुछ सेंटेंस हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं. हमारा प्रेजेंट की बात करें, देखिए कंडीशनल सेंटेंस में दो चीजें होती हैं. सबसे पहले ये चीज आपको समझनी होगी, कंडीशनल सेंटेंस में दो चीजें होती हैं. एक होती है इफ क्लॉज. इफ क्लॉज यानी जिसके साथ, इफ का मतलब क्या होता है, जिसके साथ कंडीशनल जो कंडीशन आ जाए. और एक होती है मेन क्लॉज. एक क्या होती है, मेन क्लॉज. क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक वाक्य का ही पार्ट होता है, जिसे उपवाक्य आप कह सकते हो. द पेशेंट हैड डाइड, यानी एक क्लॉज ये है, बिफोर द डॉक्टर केम, एक क्लॉज ये है. जिसके साथ कंडीशन आ जाए तो इफ क्लॉज भी कह सकते हो. इफ क्लॉज क्या होती है, कंडीशनल क्लॉज होती है. और जो मेन क्लॉज जो दूसरा होता है, मेन क्लॉज, वो मुख्य उपवाक्य होता है. तो यहाँ से आपने चीजों को समझते हुए चलना है. हम यहाँ पे कहते हैं इफ इट रेन्स द पीकॉक डांसेस. भाई नॉर्मल कंडीशन है, बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो क्या है, मैं कहता हूँ कि अगर बारिश होती है तो मोर नाचते हैं. तो इफ इट रेन्स, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इफ अगर जुड़ गया तो ये कौन सी क्लोज है, ये है हमारी कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज इसे कह सकते हो. तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, द पीकॉक डांसेस. तो मेन क्लोज हमारी क्या बन गई, द पीकॉक डांसेस. तो यहाँ पे सिंपली कॉम्बिनेशन देखिए कि एक अगर हमारी कंडीशनल क्लोज किस में है, प्रेजेंट में है. कंडीशनल क्लोज किस में है, प्रेजेंट में है. तो मेन क्लोज को भी हम किस में रख सकते हैं, प्रेजेंट में रख सकते हैं. तो प्रेजेंट प्लस में प्रेजेंट का ये कॉम्बिनेशन एक हो सकता है. ये हमारे सेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या सेंस निकालेगा. तो इफ इट रेन्स द पीकॉक डांसेस. इफ यू वर्क हार्ड यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट. गेट कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं लगाया क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है. ये आपको क्लियर होना चाहिए हम किसके साथ एस या एस लगाने हैं. हमने यहाँ पे इफ इट रेन क्यों नहीं किया, क्योंकि इट क्या है, ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस या एस का यूज करते हैं. जबकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, इसलिए वर्क हार्ड नहीं किया हमने. इफ यू वर्क हार्ड किया,
तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये इफ यू वर्क हार्ड, और ये मेन क्लॉज क्या बन जाएगी, यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। तो कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, प्रेजेंट प्लस में प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन ये आ सकता है, नंबर वन थिंग। पास्ट टेंस के लिए अगर यही बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू, एक सेंटेंस हमने लिया है पास्ट टेंस की, यानी मेरे पास अगर एक छाता होता तो मैं तुम्हें देता, यानी क्या है, अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट विश है ये। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था हैड का यूज हम किस लिए भी करते हैं, इनकम्प्लीट विश को शो करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए इफ वाली क्लॉज कौन सी है, इसमें कंडीशनल क्लॉज ही ये है, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला और आई वुड लैंड इट टू यू, मैं तुम्हें देता। तो कंडीशनल क्लॉज प्लस में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां से सिंपली आपने क्या देखना है, यानी यहाँ पे अगर सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो मेन क्लॉज में आपने क्या करना है, वुड लगा देना। पास्ट टेंस की अगर बात करें, इफ के साथ पास्ट टेंस के सेकंड फॉर्म, हैड फॉर्म क्या है, ये सेकंड फॉर्म मान के चलनी है, आपने ये ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्म है हैड। तो इफ शी ट्राइड, देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है, टू स्किप हर होमवर्क शी वुड, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन रहा है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए इफ क्लॉज में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए किस में, इफ क्लॉज में या कंडीशनल क्लॉज में, तो मेन क्लोज में आपने क्या करना है, मेन क्लोज में आपने क्या करना है, वुड से स्टार्ट करना है, वुड से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या था, इफ शी ट्राइड टू स्किप हर वर्क, अगर उसने अपना काम, स्किप करना मतलब अगर वो प्रॉपरली नहीं करती, छोड़ दिया होता, इफ शी ट्राइड टू स्किप हर वर्क शी वुड फेल इन द एग्जाम, यहां से सेंस ये निकलेगी, अगर उसने अपना काम छोड़ देती, करना छोड़ देती पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाती, वो फेल हो जाती। बट शी डिडंट, बट उसने नहीं किया। तो इस टाइप के सेंटेंस हम क्या करते हैं, इस टाइप के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, वुड का कॉम्बिनेशन आता है, ये इम्पोर्टेंट है काफी। अब यहाँ देखिए, इफ राहुल हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार इस टाइप के सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। ये कहता है कि अगर राहुल ने अपना काम अच्छे से किया होता, मेहनत से काम किया होता, तो वह पास हो गया होता। इस टाइप के सेंटेंस में ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट विश को दर्शाते हैं दोनों, जिसमें इस हैड प्लस ये सेकेंड फॉर्म आ जाए, या हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हैड यानी यहाँ पे क्या है, हैड प्लस में हैड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, वुड हैव लगा रखा है, यानी कंडीशनल सेंटेंस में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन क्लोज किस में आएगी, कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किस में है, इफ क्लोज में है, इफ क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लोज में हम क्या करेंगे, मेन क्लोज में हम क्या करेंगे, हम करेंगे वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखिए ये दोनों क्या दिखाते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में इनकम्प्लीट एक्शन को शो करते हैं। इफ राहुल हैड वर्कड हार्ड, अगर राहुल ने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो जाता, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, एक राहुल था बच्चा बोर्ड क्लास में, टेंथ क्लास में, इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास में, उसने मेहनत नहीं की और वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसके रिलेटिव आते हैं घर और वह कहते हैं कि अगर मेहनत की होती तो वह पास हो जाता, तो यानी ना तो मेहनत की ना ही वो पास हुआ। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम पास्ट में कैसे लिखते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इफ क्लॉज के साथ या कंडीशनल क्लॉज के साथ है, तो मेन क्लॉज को हम किस में लिखेंगे, वुड हैव पास्ट में लिखेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट फ्यूचर टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, ये भी जो स्ट्रक्चर है अगेन जो हमारा थर्ड टाइप है कंडीशनल क्लॉज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे दो सेंटेंस हम लेते हैं,
मैं कहते हैं कि अगर मैं अच्छी इंग्लिश सीखता हूँ तो मैं यूके चला जाऊंगा, क्लियर है? अगर मैं अच्छी इंग्लिश सीखूंगा तो यूके चला जाऊंगा, हमें लगता है कि ये दोनों फ्यूचर के टेंस बनेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, दोनों के साथ विल या शैल का यूज कर लेते हैं। बट ये गलत है, आपने ऐसा नहीं करना है। क्लियरली इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क यू विल गेट ए प्राइज। अगर तुम अपना काम टाइम से करोगे तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा, यानी करोगे टाइम काम से करोगे और इनाम मिलेगा, यानी लास्ट में गा आ रहा है, तो हमें लगता है कि हम दोनों में विल या शैल का यूज कर सकते हैं, बट वो गलत होता है। तो रूल नंबर थ्री क्या होता है कि अगर आपको दोनों सेंस फ्यूचर की भी निकालते हैं, तो इफ क्लोज को आपने किस में रखना है, इनडेफाइनाइट में रखना है। और मेन क्लोज के साथ आपने क्या रखना है, मेन क्लोज को फ्यूचर में रखना है, ये प्रेजेंट इंडेफाइनाइट में रखना है आपने, इफ क्लोज को प्रेजेंट इंडेफाइनाइट में, और मेन क्लोज को आप किस में रखोगे, फ्यूचर में रखोगे। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट मतलब फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफाइनाइट है, यू विल गेट ए प्राइज, यू विल गेट अ प्राइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने किस में रख दिया, ये फ्यूचर इंडेफाइनाइट में रख दिया। तो कम्बिनेशन जो बनेगा, आपने भले ही सेंस लगता है कि दोनों फ्यूचर में है, बट एक को आपने यानी कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज को आपने सिंपली किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफाइनाइट में रखना है, और जो मेन क्लोज बनती है, मेन रिजल्ट जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगी है, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क, किसके साथ तो कंडीशन लगी, यानी कंडीशनल सेंटेंस है ये, कंडीशनल क्लोज है, इफ क्लोज है, और तो ये दूसरी क्या बन गई, मेन क्लोज बन गई। तो यहाँ पे ऐसे आपने इसको जो मेन क्लोज होती है उसको फ्यूचर में रखना है, और जो इफ क्लोज है कंडीशनल क्लोज है उसको आपने किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। जैसे सेकंड सेंटेंस में मैं कहता हूँ, इफ शी लर्न्स इंग्लिश शी विल गो टू द यूके। अगर वह इंग्लिश सीखती है तो वह यूके चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, द यूके लिखा, एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। वैसे कोई भी कंट्री आ जाती है उसके नेम से पहले हम दा नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे कनाडा होता, इफ शी लर्न्स इंग्लिश शी विल गो टू कनाडा आ जाता सीधा, दा कनाडा नहीं करते। बट हमने दा यूके क्यों किया, देखिए कोई भी ऐसी कंट्री होती है जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का समूह होती है, तो उसके आगे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ये काफी द्वीपों से मिलके या ग्रुप ऑफ कंट्रीज स्मॉल पार्ट से मिलके बना है, तो इसलिए हम किसे क्या कहते हैं, द यूके किया जाता है, द यूएसए किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूके यूएसए, तो इस टाइप की द यूएई, तो इस टाइप के जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज को मिला के एक बनती है, एक कंट्रीज बनती है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को मिला के, तो उसको हम क्या कहते हैं, द यूज करना होता है, अदरवाइज कंट्री के नेम के आगे हम द यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स जो आपको आने चाहिए, मेन रूल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर एक सेंस ऐसे निकलेगी तो दोनों को हम फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इफ यू विल कंप्लीट योर होमवर्क, अगर होमवर्क करोगे यू विल गेट ए प्राइज, दोनों जगह विल का यूज नहीं करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस जो होगा इस टाइप के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफाइनाइट में, और मेन क्लोज जो होगी उसको हम फ्यूचर इंडेफाइनाइट में करेंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो और समझ में भी आ गया होगा। नाउ आज के पार्ट की जो हम बात करते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हर क्लास में मैं बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका यही है कि देखिए दोनों फ्यूचर की सेंस निकालते हुए भी हमने दोनों को फ्यूचर में नहीं करना है, एक जो मेन क्लोज है सिर्फ उसको ही फ्यूचर में रखना है, जो बाकी कंडीशनल क्लोज है या इफ क्लोज है उसको हमने किस में रखना है, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनाइट में रखना है। जैसे इफ शी लर्न्स इंग्लिश हमने इसमें जो कंडीशनल क्लोज है किस में बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बनाया है, और जो मेन क्लोज बन गई उससे उसका जो आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा उसको हमने किस में रखना है, फ्यूचर में रख दिया, शी विल गो टू द यूके। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि दोनों फ्यूचर की सेंस अगर इंग्लिश सीखेगी यानी गी आ गया, और तो यूके जाएगी
यानी गा गे गी जो हमारी पहचान होती है भले ही हमारी सेंस निकालता है, लेकिन हमने दोनों को फ्यूचर में नहीं रखना है, दोनों के साथ विल या शैल का यूज नहीं करना है, सिर्फ एक के साथ। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कम्युनिकेशन के लिए जो इंग्लिश आनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना है नोटबुक में, और हर एक सेंटेंस को आपने अच्छे से लिखना है, खुद के नए सेंटेंस बना के उनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। अब आइए बात करते हैं, हम सीखते हैं कुछ नए सेंटेंस आज वाली क्लास के लिए जो हमारे जरूरी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आज वाली क्लास के लिए हम सी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कर रहे हैं। एक सेंटेंस आता है जो आपने अक्सर सुना होगा, कैलिबर। सेंटेंस नंबर वन जो हम सीखेंगे सी से स्टार्ट होने वाले। दूसरा सेंटेंस है वो है कैलस, कैलिबर, कैलस। तीसरा सेंटेंस है वो है कैंडिड, चौथा जो सेंटेंस है वो है कैलेमिटी, और जो पांचवा सेंटेंस है वो है कैओस। ये सेंटेंस है कैलिबर, आपको पता होगा। देखिए कैलिबर बहुत बार हम यूज करने में यूज करते हैं इसे, इन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो कैलिबर का मतलब होता है सामर्थ्य, यानी एबिलिटी। फर्स्ट इसका जो सिनोनिम क्या हो सकता है वो हो सकता है एबिलिटी या कैपेसिटी। कैलिबर का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, ठीक है। कैलस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार ये आ जाता है, तो इसका मतलब होता है इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव या इनडिफरेंट बोल सकते हैं। जो इनसेंसिटिव हो, सेंस ना हो जिसमें, ठीक है। इनसेंसिटिव, इनसेंसिबल या इनडिफरेंट आप इसके लिए यूज कर सकते हो। कैंडिड, कैंडिड का मीनिंग होता है फ्रैंक, कैंडिड का मीनिंग होता है फ्रैंक। ओपन माइंडेड, फ्रैंक, ओपन माइंडेड भी इसके लिए आप यूज कर सकते हो, सिंसियर भी इसके लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैलामिटी। कैलामिटी क्या होता है, एक एडवर्स कंडीशन, बहुत ही दुर्भाग्य से भरी हुई स्थिति, डिजास्टर जिसे आप कह सकते। डिजास्टर आप कह सकते हो, एक ट्रेजेडी भी उसे आप नाम दे सकते हो। डिजास्टर या ट्रेजेडी का नाम भी इसे दिया जा सकता है, या कैटास्ट्रोफी, ये बहुत कॉमन वर्ड है। कैटास्ट्रोफी ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैटास्ट्रोफी किसे कहता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड बन जाता है वो है कैओस। कैओस का मीनिंग होता है, एक जब लॉ एंड ऑर्डर होता है, जैसे हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन हो जाता है और वो उग्र हो जाता है, हिंसा आ जाती है, वायलेंट हो जाता है, तो उसके लिए कैओस हम क्या करेंगे, एक असहज स्थिति उत्पन्न हो जाना, लॉलेसनेस भी इसे कहा जाता है। तो इसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, डिसऑर्डर आ जाना, यानी एक तो ऑर्डर से चीजें होती हैं, एक डिसऑर्डर से चीजें आ जाती हैं, और एक जो वर्ड यूज किया जाता है वो टर्मोइल, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, TURMOIL, टर्मोइल, ठीक है। या लॉलेसनेस भी इसे कहा जाता है, जब लॉलेसनेस, जब कानून ना हो कोई, लॉलेसनेस। तो ये पांच वर्ड हैं स्टूडेंट्स जो सी से स्टार्ट होते हैं, ये हमने सीखने हैं, इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए, सिनोनिम अच्छे से याद करने हैं, ताकि आपका वोकेबलरी वाला पार्ट है वो भी इम्प्रूव होता रहे। सो स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग विद अस, बी नॉलेजेबल।